किसको प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, उसमें क्या है करते? कोई भी कैसे बन जाएगा भाई? कोई भी ऐसा जिसकी डिग्री पे कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, जो चाइना अगर देश पे कब्जा कर ले तो ये ना कहे कि ना कोई आया है ना कोई घुसा है। बहुत से लोग हैं। तीसरा ट्रंप, कल इनका जुमला पत्र आया है बीजेपी का, तो जो पहले 14 के वादे थे उसमें उसका कोई, वो खुद से मान रहे हैं जुमला पत्र में कि ना वो रोजगार दे सकते, ना वो किसानों को न्याय दे सकते, ना वो खिलाड़ियों को न्याय दे सकते, ना वो कुछ कर सकते। चलिए, जुमला पत्र आया है बीजेपी का, जुमला पत्र है या विकास पत्र है वो तो पहले भी हमने देख लिया, दो टर्म में, तीसरी में भी देख लेंगे। पर कांग्रेस के कौन से पत्र आए थे? हिमाचल के अंदर 1,00,000 सरकारी नौकरी देंगे, और जब सरकार बन गई हमने तो कुछ कहा ही नहीं था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार, हिमाचल के अंदर 3 रुपए डीजल के ऊपर पैसा बढ़ा दिया। बता दीजिए कौन सी महंगाई खत्म करने आए थे, कौन सी महंगाई खत्म करने आए थे? आज मोदी सरकार के अंदर बम विस्फोट देखने को नहीं मिल रहे हमें, कहां गए वो बम फेरने वाले लोग, कहां गए तिरंगा जलाने वाले लोग, कहां गए सैनिकों को पत्थर मारने वाले लोग? बताओ कहां गए सेना पे पत्थर मारने वाले लोग? बता दो कहां गए वो पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देश, कहां गए? आज कहां लुप्त हो गए वो, ये भी तो बता दो। बताइए सर, इतना सवाल कर दिया, आप कह रहे हो किसी को भी प्रधानमंत्री बना दे? ये एक नाकाम कोशिश है डाइवर्ट करने की। नरेंद्र मोदी तीसरा ट्रंप करने जा रहे हैं, 2 ट्रंप उनको दे दिए और वो पूछ रहे उन दोनों ट्रंप में नाकाम रहे। कल का जो जुमला पत्र आया है, जब 2 बार कोई सत्ता में रहता है तो उसके बाद वो ये नहीं कहता, फिर ख्वाब नहीं दिखाता, फिर जुमले नहीं दिखाता। और प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, ये खुद हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव में इस तरह के जुमले मोदी जी को आदत है बोलने की, बोल देते हैं। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप बताइए। जब तीसरी बार आते हैं, केजरीवाल है दिल्ली का, हालांकि मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, मैंने 2 बार मोदी को वोट दिया, तीसरी बार अभी देखेंगे, तो केजरीवाल छाती ठोक के कहता है, आपको भी पता है जब भी इलेक्शन लड़ने जाता है, कि मैं अगर मैंने शिक्षा में काम किया है, अगर मैंने स्वास्थ्य में काम किया है तो मुझे वोट दो। क्या है नरेंद्र मोदी की ताकत ये बोलने की कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट दें? काम के नाम पे वोट ही नहीं मांग रहे हैं। मैं कहता हूँ उनको, रुक जाओ ना, देखो हाय तोबा कौन मचाता है? जिसको लगता है कि भाई लोग मेरे काम को देख नहीं रहे, उनको बताना पड़ेगा, भाई मैंने तेरे लिए कपड़े दिए थे, मैंने तेरे को पानी दिया, मैंने तेरे को ये दिया, वो ढोल पीट रहे हैं। आज जनता देख रही है 8 लेन के, 14 लेन के, 6 लेन के एक्सप्रेस वे मोदी को बोलने की जरूरत नहीं। आज जनता देख रही है अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, टर्नल ब्रिज, सड़कों का निर्माण, तो मोदी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। आज जनता देख रही है गरीबों के लिए आवास योजना, उद्यमी योजना, औषधि योजना, मुद्रा योजना, आवास योजना, कृषि कल्याण योजना, कृषि सिंचाई योजना, मोदी जी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? भाई मैं DTC से ड्राइवर हूँ। अच्छा। पूरे दिल्ली कहीं सड़क सही नहीं है। आप पुरानी दिल्ली से कश्मीरी गेट तक आओ, जितने पेशाब करने वाला बाथरूम है सब में कीड़े पड़े हैं, जाके देखो वहाँ आके। मैं यही कह रहा हूँ किसी सरकार के में दम हो तो शुरू करें, यही करेंगे हम लोग। पेशाब करने जाए वहाँ कीड़ा रेंगते हैं, बास मारता है, ये दुरुस्त करें पहले। हाँ, और जितनी सड़कें खड्डा है, हर जगह खुद जा रहा, उसको सही नहीं हो रहा, पूरे सड़कों पर ट्रैफिक जाम है, कैसे होगा? केजरीवाल को जो है, केजरीवाल किसकी, यहाँ पुलिस किसकी है, यहाँ पुलिस किसकी है? पुलिस बनाएगी सड़कें, पुलिस बनाएगी। अरे ये बताओ, पुलिस बनाएगी सड़कें? कल से पुलिस प्रशासन छोड़ करके सड़कें बनाना शुरू कर दे। किसी बात सुनेंगे आप? आप बताओ ना। मैं कह रहा हूँ जाम लगा है तो पुलिस हटवाएगा कि कौन हटवाएगा? जनता हटाएगी। बस के पीछे लिखा होता है मैं लाइन में चल रहा हूँ। कभी लाइन में चलते हो आप? बता दो। कभी आप लाइन खाली है तो आप उसमें आगरू हो जाते हो। जनता गाड़ी निकालना चाहे, आप जनता को गाड़ी निकालने की जगह नहीं देते और शिकायत आप पुलिस से कर रहे हैं। लाइन खाली नहीं, कभी रोड खाली रहता है। ये लाल किया देखो, 3 लाइन पार्किंग है, अभी देखो जाके 3 लाइन पार्किंग। हम लोग कहाँ जाए? आप ही की DTC बस चलते चलते कब आग में तब्दील हो जाती है आपको खुद नहीं पता होता। जनता छोड़ तो कोसो सरकार को, आपकी जिंदगी की भी बात है। आप कोसोगे नहीं कि भैया कैसी पुरानी बस है तेरा? अब उसको हम क्या करें? वो सरकार की व्यवस्था है, वो सरकार की व्यवस्था है। लेकिन हमारे कहने का मतलब, जो बाथरूम करने की व्यवस्था है, जो रोड पर पार्किंग है, जो सड़क के PWD की है काम, और जो है सरकार
जिस सरकार में हो वही सरकार करे। तो ये केजरीवाल सरकार को करना चाहिए, ये भी तो बोलो कैसे करें। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले उठाकर जो है तानाशाही के उसमें जो है बंद कर रखे हैं अरविंद केजरीवाल जी को, काम कैसे नहीं। अच्छा पिंक ठेके खोलते वक्त के हमारे गवर्नर साहब नहीं रोकते, शराब घोटाले में गवर्नर साहब नहीं रोकते हैं, अपने ये बंदों की भर्ती कराते हैं गवर्नर साहब नहीं रोकते, विज्ञापनों से भर देते हैं गवर्नर साहब नहीं सोचते। सर आज से पहले पता क्या होता था, जितने खड़े हैं, दिवाली होती थी स्कूल की छुट्टी देखते थे, होली होती थी छुट्टी देखते थे, ईद होती थी छुट्टी होती थी, दशहरा होती थी छुट्टी होती थी। आज हम देखते हैं पॉल्यूशन में छुट्टी हो रही है, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया, स्कूलों की छुट्टियां। अरे तुमने दिल्ली को क्या कर दिया ये भी तो बताओ। ये पहली बार बच्चे देख रहे होंगे हमारी, ये सारी जनरेशन आज की देख रही होगी, अच्छा पॉल्यूशन में छुट्टी हो जाती है दिल्ली के अंदर। बेड़ा गरक कर दिया, कल तक खुद खास रहा था, आज पूरी दिल्ली खास रही है। क्या कहेंगे, फ्री मिली थी दिल्ली में केजरीवाल के राज में, पहली बार एक पे एक फ्री मिली थी, कहां से आया पैसा, वो कहां गया, इसलिए तो जेल में पड़ा हुआ है वो। बताइए सर इतना समस्या है, कैसे फिर प्रधानमंत्री को बदलेंगे और गड्ढे कौन भरेगा। समस्या वही मैं कह रहा हूं, 10 साल के बाद तीसरा टर्म जो मोदी जी मांग रहे हैं कि ये बताइए उन्होंने रोजगार के लिए क्या किया, जो जुमला पत्र आया उसमें कोई जिगर नहीं है, जो हेल्थ में क्या करा, एजुकेशन में क्या करा, तो ये तीसरी बार वो बताएं। और मैं कहता हूं ये तो अपने घोषणा पत्र में जो बात आपने कहा वो तो बता दी, घोषणा पत्र में उन्होंने इन सब चीजों की बात की। कितने बने पता है आपको हिंदुस्तान में, कितने एम्स बने हैं ये बताइए, कितने एम्स बने हैं, 6 नहीं बने हैं, 32 एम्स बने हैं हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10 साल के अंदर। और मेडिकल कॉलेज कितने बने, 66, और पहले कितने बने थे 70 सालों में, वो भी तो एक बार देख लिए ना भाई साहब। 10 साल का इन्फ्लेशन 47 से 2003 तक भारत के पास सिर्फ एक एम्स था, इतनी अच्छी सरकार थी और भारत को एक एम्स दिया, और उसका राग आज तक गा रही है, उसका प्रचार अभी तक कर रही है। आप बता दो क्यों, कहां है गैप, कहां रह गया, समस्या कहां है, क्यों बदला जाए जो है, किसी को क्यों बैठाया जाए प्रधानमंत्री के पद। भारत देख लो कितनी चल रही है, दोबारा सवाल करो क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं आप कह रहे हो कि बदला जाना चाहिए प्रधानमंत्री को, क्यों बदले प्रधानमंत्री को। आप ये कह रहे हैं कि बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो काम कर रहे हैं, तो आप मानते हैं कि दिल्ली में जो सांसद थे वो निकम्मे थे, जो नरेंद्र मोदी ने उनको बदल दिया, आप मानते हैं ना। बताइए क्यों बदला गया यहाँ के सांसदों को, अगर बीजेपी काम कर ही रही थी, सब कुछ कर ही रही थी, क्यों बदला। अरे भाई आप बहुत अच्छे हो, इसका मतलब पता क्या है कि ये भाजपा सरकार ही है जहाँ जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को मौका दिया जाता है, परिवारवाद नहीं है। ऐसे तो एमपी के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी को बदल दिया, क्या वो सक्षम नहीं थे, वहां की जनता आज भी उनके लिए कितना उभर रही है, क्या मोदी सुन रहे हैं, जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता भी ऊपर आएगा। वसुंधरा राज्य को राजस्थान में हटा कर करके उधर मदन भजन लाल जी को बिठा दिया, वहां भजन पे बैन था, आज भजन लाल शर्मा को बिठा दिया, क्या कर लिया आपने। ये भाजपा है, यहाँ परिवार जो है ना दूर दूर तक है, जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता आगे आता है। ऐसा नहीं कि लालू ने अगर 11 बच्चे पैदा कर दिए तो उसका जिम्मा देश के हर एक नागरिक अपने टैक्स के पैसे चुकाएगा, कि सारे नेता बनेंगे और सारे सांसदों की टिकटें लेंगे, सांसद की कोठियों में रहेंगे, गाड़ियों में रहेंगे, काफिलों में रहेंगे, उनके तो घर के सोफे कह रहे हैं मैं एक्सपेंसिव हूँ, आपके घर का सोफा क्या कहता है ये भी बता दो जनता को। आप बताएं आप क्या करें। मान लिया सांसदों को चेंज करने के लिए इन्होंने बता दिया कि इसमें परिवारवाद नहीं है, जो योग्य होगा जो सक्षम होगा समय के हिसाब से उनको लाएंगे। आप मानते हैं कि परिवारवाद नहीं है, बता दो कहाँ है परिवारवाद। अमित शाह के बेटे कहाँ है, क्या कर रहे हैं, मंत्रिमंडल बताओ। राजनाथ सिंह के बेटे कहाँ है, मंत्रिमंडल बताओ, मंत्रिमंडल बताओ। अमित शाह के बेटे को कौन सा मंत्रिमंडल दिया है, कौन सी टिकट से चुनाव लड़ाया ये बताओ। नहीं अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष बनेगा। देखिए ऐसा है मुद्दा, कल देश के प्रधानमंत्री ने तीसरी टाइम के लिए मौका मांगा है और उन्होंने कल एक जुमला पत्र दिया है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कुछ नहीं है राहुल गांधी, कुछ नहीं है केजरीवाल, मैं ये कह रहा हूँ एक बार नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं कि जो मैंने 2014-2019 में इस देश से वादे किए थे उन वादों पे क्या वो वोट मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते। मांग सकते हैं। एबा बताओ उनके वादे क्या थे, 370 CA, 3 तलाक किसके राज में, बता दो 370 किसके राज में हटी, क्या पॉसिबल था हिंदुस्तान में कभी हटना, राम मंदिर 500 साल बाद बना क्या पॉसिबल था कभी, 3 तलाक कभी पॉसिबल था, आप ये बताइए ना मुझे। तुम उनके मैनिफेस्टो में जो था उन्होंने पूरा किया, शुरू से चुनाव लड़ते आए बीजेपी वाले, तो शुरू से कह रहे हैं कि जब से हम सत्ता में मतलब शुरुआत किए हैं तब से हमारे मैनिफेस्टो में था, उसको मैंने पूरा किया। देश का मुद्दा रोजगार है सबसे बड़ा, वो
वो बीजेपी के जुमला पत्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जुमला पत्र में कल उसका कोई मान नहीं है। देश का मुद्दा राष्ट्र निर्माण नहीं है, राष्ट्र के लिए राष्ट्र सुरक्षा नहीं है, देश का मुद्दा कुछ नहीं है। रोजगार है ना तो मुद्रा लोन देते रहे हैं, घर घर में इंडस्ट्री खड़े कर रहे हैं, जुमला पत्र पड़ा, कितने स्टार्टअप खड़े कर दिए, कितने स्टार्टअप खड़े कर दिए ये बताइए ना। उद्यमी योजना के तहत कितनी महिलाओं को रोजगार के लिए मुहैया कराई जा रही है धनराशि पता है? लखपति दीदी, लखपति दीदी के तहत कितनी महिलाओं को दिया जा रहा है कि आप भी आत्मनिर्भर बने, आपको पता है पिछली सरकारें कहाँ थी? बताओ किसको दिया, कौन सी पैसे वाली बताओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ चाचा, गरीब आदमी इधर आओ, गरीब आदमी किसको नहीं दिया, गरीब आदमी आप बता दो, गरीब आदमी लाख रुपए से भी कम है उसको दिया, किसको नहीं दिया, सब पैसे वाले दिया है, इनको केजरीवाल ने एक के साथ एक फ्री दिया है बस, उससे ऊपर कुछ नहीं दिया है, उससे ऊपर कुछ नहीं दिया।